नमस्कार, आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। उत्तर प्रदेश में प्रथम और द्वितीय चरण का मतदान संपन्न हो चुका है। पूर्वांचल में और खास तौर पर बनारस में अंतिम चरण में मतदान होना है। ऐसे में बनारस और पूर्वांचल में राजनीतिक सरगर्मियां काफी बढ़ गई है। आज बनारस में आम आदमी पार्टी कोर समिति के सदस्य और राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी आज बनारस में आए हुए हैं। आइए हम जानते हैं कि किन मुद्दों को लेकर वो जनता के बीच में है और आम आदमी पार्टी की क्या प्राथमिकताएं हैं इस बार चुनाव में। सर, आपका बहुत बहुत तो पहले स्वागत है। सर जी नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार। देखिए, हमारा मुद्दा बहुत साफ है, फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री शिक्षा, फ्री स्वास्थ्य, जो बुनियादी जरूरत है इंसान की, वो हमने अपने मैनिफेस्टो में रखा है। और हमारा मैनिफेस्टो कोई जुमला नहीं है, कोई झूठ का पत्र नहीं है, वो गारंटी पत्र है। हमने कहा हम 300 यूनिट बिजली फ्री देंगे, पुराने बकाया माफ करेंगे, 10 लाख नौकरी देंगे, और जब तक नौकरी नहीं मिल जाती 5,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देंगे, माताओं बहनों को प्रतिमाह 1,000 रुपए देंगे, किसानों को फसल का दाम 24 घंटे में उनके खाते में होगा। ये सारे मुद्दे हमारे हैं जिसको लेकर हम चुनाव में जा रहे हैं। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी भी 300 यूनिट फ्री बिजली देने की बात कर रहे हैं, पुरानी पेंशन बहाली की बात कर रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रवाद, विकास और हिंदुत्व मुद्दे को लेकर के चुनाव लड़ रही है। आम आदमी पार्टी के मुद्दे आज हर पार्टी में पहुंच गए ना, ये तो मैं आपको कह रहा हूँ। आम आदमी पार्टी हर जगह पहुंच गई। सपा वाले भी आम आदमी पार्टी के मुद्दे की चर्चा कर रहे हैं, बीजेपी वाले भी कर रहे हैं, कांग्रेस वाले भी कर रहे हैं। फ्री बिजली किसका मुद्दा है? किसने फ्री बिजली की शुरुआत की? हिंदुस्तान में कौन सा व्यक्ति है? अरविंद केजरीवाल जी, जिन्होंने दिल्ली में फ्री बिजली की शुरुआत की। तब ये सारे लोग आलोचना करते थे। मैं कह रहा हूँ, समाजवादी पार्टी भी सरकार में रही है, बीजेपी भी रही है, कांग्रेस भी रही है, बीएसपी भी रही है, क्यों आज तक एक भी यूनिट बिजली फ्री क्यों नहीं दिया इन्होंने, अब बताइए मुझे। तो इसलिए अभी जनता को यह तय करने दीजिए। और मुझे लगता है केजरीवाल जी पर और आम आदमी पार्टी पर लोगों को ज्यादा भरोसा है, क्योंकि हमने जो कहा है, जो अपने घोषणा पत्र में लिखा है, उसको पूरा करके दिखाया है और आगे भी करेंगे। सर, क्या लगता है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में सर कितनी सीटें पा रही है? ये जनता के ऊपर छोड़ दीजिए, क्योंकि मैंने पहले दिन से एक ही बात कही कि आम आदमी पार्टी का कोई वोट बैंक नहीं। हमारा वोट बैंक वो जो 300 यूनिट बिजली फ्री चाहता है, हमारा वोट बैंक वो जो बेरोजगारी भत्ता चाहता है, जो अच्छी शिक्षा चाहता है, अच्छे इलाज चाहता है। यूपी के लोगों पे क्या आरोप लगता है कि हम लोग जाति धर्म के नाम पर वोट देते हैं? क्यों हम शिक्षा के नाम पे वोट क्यों नहीं दे सकते? स्वास्थ्य के नाम पे क्यों नहीं दे सकते? बिजली पानी के नाम पे क्यों नहीं दे सकते? बच्चों के स्कूल के नाम पे, अस्पताल के नाम पे क्यों नहीं दे सकते? ये धारणा हमें तोड़नी पड़ेगी, और इसके लिए हम लोग जनता के बीच में जा रहे हैं, उनसे अपील कर रहे हैं। अच्छे पढ़े लिखे योग्य उम्मीदवार हमने दिया। आज दूसरी पार्टियों की सूची निकलती है, आपस में लड़ते रहते हैं टीवी चैनल पे, वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ इतने गुंडे, वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ इतने माफिया, वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ इतने डकैत, वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ इतने चोर, वो कहते हैं तुम्हारे यहाँ इतने उचक्के, यही चलता रहता है। आम आदमी पार्टी की जब सूची निकलती है, कितने डॉक्टर, कितने इंजीनियर, कितने पोस्ट ग्रेजुएट, कितने पीएचडी, इसकी चर्चा होती है। सर, आप हमारे चैनल के माध्यम से आज बनारस आए हुए हैं, बनारस की जनता के लिए सर क्या संदेश देना चाहते हैं? बस एक ही संदेश है हमारा, जाति धर्म के इस पचड़े से निकलिए, और जो केजरीवाल जी का दिल्ली का काम है उसको देखिए, और वही सपना हम यूपी में पूरा करना चाहते हैं, इसके आधार पर वोट दीजिए जी। हमारे डॉक्टर आशीष जायसवाल यहाँ से उत्तरी से प्रत्याशी हैं, दक्षिणी से अजीत सिंह जी प्रत्याशी हैं, पिंडारा से हमारे बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो आपने देखा, आज हमारे साथ आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी मौजूद थे, जिनसे हमारी चुनाव को लेकर खास चर्चा हुई। आप हमारे साथ बने रहिए, रफ्तार मीडिया को देखते रहिए। कैमरा पर्सन प्रदीप जायसवाल के साथ वाराणसी से कन्हैया लाल।